एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस की एक फॉर्म है। स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्ड्स जहाँ पे भी होता है वो इंडिकेट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारा वर्टीब्रल कॉलम है उसको, और आईटीआईएस इन्फ्लेमेशन ही हो गई। एंड एनकाइलोस्ड कहते हैं फ्यूज्ड जॉइंट्स को, जब भी दो बोनी आर्टिकुलर सर्फेसिस फ्यूज कर जाती हैं तो वो जो मूवमेंट होती है जॉइंट पे वो खत्म हो जाएगी, और उस फ्यूजन को कहते हैं एनकाइलोजिंग। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मैरीज ट्रम्बेल डिजीज भी कहते हैं या फिर बेट्रियोस डिजीज। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अब हम मीनिंग देख लेते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है। एनकाइलोज मीन बेंट या फिर फ्यूजन को कहते हैं इन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश जो है, और स्पॉन्डिलोसिस वही स्पाइनल वर्टिब्रा। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में यही हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन से लेकर सैक्रल और कॉक्सीजल तक ही ये स्पाइनल कॉलम आ जाता है। तो उसकी ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, क्रोनिक होती है। जब भी हमारा एक्सियल स्केलेटन इन्वॉल्व होगा तो वो बैक पेन काज करेगा, और बैक पेन की वजह से फर्दर क्या होगी, सारी स्टिफनेस हो जाएगी, स्पेशली जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं उनमें प्रोग्रेसिव स्टिफनेस हो जाएगी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होंगी, हाइपोमोबिलिटी की तरफ जाएगा पेशेंट। पेरिफेरल जॉइंट्स और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो टिश्यूज हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जो इसका फोकस है वो स्पाइनल कॉलम ही है, एक्सियल स्केलेटन है, लेकिन पेरिफेरल स्केलेटन जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है इन सम केसेस। पीके जिसकी 20 to 30 ईयर्स है, ये 3 times मोर प्रेवलेंट इन मेल्स है, मतलब अगर हम मेल्स रेशो फीमेल्स करें तो 3:1 बनेगा। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की डेफिनेशन देख लेती है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस दैट मेनली अफेक्ट्स द स्पाइंस एंड एसआई जॉइंट्स आर द लोअर बैक। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोज बट हैज अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पेन सिम्टम्स एंड चेंजेस कैन बी सीन ऑन एक्सरे या फिर MRI। अगर सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट हुई तो फिर MRI हम करवाएंगे, वरना एक्सरे पे ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर तो सिर्फ बोनी इन्वॉल्वमेंट है, स्केलेटन की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ कंपेयर किया हुआ है हेल्दी स्पाइन को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ। देख सकते हैं हम जो फर्स्ट मोस्ट लेफ्ट पिक्चर है उसमें प्रॉपर बॉडी ऑफ वर्टीब्रास है, दरमियान में डिस्क है, लेकिन सेकंड में क्या है, ये अभी माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, जिसमें हमें इन्फ्लेमेशन मिल रही है। ये जो रेड साइन है ये इरिदमा पेन को इंडिकेट कर रहा है, इसमें अब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये लास्ट जो पिक्चर है ये सिवियर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पिक्चर है, जिसमें जो वर्टीब्राज हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती हैं, डिस्क की डीजनरेशन हो जाती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। और फ्यूजन ऑफ बोन्स, अगर इस तरह से सारे वर्टीब्राज एक दूसरे से फ्यूज कर जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बम्बो स्पाइन, क्योंकि स्पाइन की अपीयरेंस बिल्कुल बम्बो जैसी हो जाती है, जैसे इस पिक्चर में नजर आ रही है। फीचर्स देख लेते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, पेशेंट को वही एक्स इन बटक्स होगा, लोअर लंबर एक्स होंगे, बोनी टेंडरनेस होगी, पेरिफेरल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, गिल्डर्स जिसमें गिल्डर्स आ जाते हैं, पेल्विक गिल्डर या फिर हमारे पास शोल्डर गिल्डर, इन्फ्लेमेटरी बैकेक हो सकता है, और एज वही लेस देन 40 ईयर्स ही एज होती है। इनसीडियस ऑनसेट होता है, ड्यूरेशन इसका मोर देन 3 months हो सकता है, मॉर्निंग स्टिफनेस साइन पॉजिटिव होगा और इम्प्रूवमेंट विद एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम इसका एग्जामिनेशन देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पे हमें वही स्पाइनल मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज मिलेगी, जैसे सर्वाइकल स्पाइन पे मूवमेंट है या फिर वैसे लंबर स्पाइन पे फ्लेक्सियल एक्सटेंशन या फिर साइड बेंडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे स्कॉबर टेस्ट करते हैं या फिर मॉडिफाइड स्कॉबर टेस्ट और टेस्ट एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। पेशेंट के अगर तो ऐसे जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है उसमें भी पेशेंट को पेन होगा, और अगर उसके गिर्डल्स इन्वॉल्व हैं, गिर्डल्स दोनों पेल्विक या फिर शोल्डर गिर्डर, तो उसमें भी पेशेंट को पेन हो सकता है, लेकिन इसका प्राइमरी फोकस, प्राइमरी जो टारगेट है वो स्पाइन ही है। स्पाइन के अलावा अगर तो गिर्डल्स इन्वॉल्व हैं, गिर्डल्स में पेन होगा, और अगर SIJ इन्वॉल्व है तो उसमें भी पेन हो सकता है। अब ये वही हमारे पास कुछ फिजिकल टेस्ट है, जिसमें जैसे मॉडिफाइड स्कॉबर टेस्ट है, फिंगर टू फ्लोर टेस्ट है, फिंगर टू थाई टेस्ट है, चेस्ट एक्सपेंशन है, और ऑक्सपेट टू वॉल है। ये सारे टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, अगर तो सारे टेस्ट पॉजिटिव मिल रहे होते तो ये सारे इंडिकेट कर रहे होते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ही। इन सब टेस्ट को हम वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा, ये जो आम नजर आ रही है ये सेकंड थर्ड फोर्थ नेम है, इसे बेट्रियोस डिजीज भी कहते हैं, बेट्रियोस सिंड्रोम भी कहते हैं, मैरीज ट्रम्बल्स भी कहते हैं, रूमेटॉइड स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं, सिर्फ स्पॉन्डिलाइटिस भी कह सकते हैं, या फिर स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी भी कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स हो गए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो यूज होते हैं। अब जो फिजिकल टेस्ट हमने देखे थे उनका वन बाय वन देख लेते हैं। मॉडिफाइड स्कॉबर टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें हम लंबर स्पाइन की मोबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं। कैसे मेजर करते हैं कि हम लंबर स्पाइन पे ही दो पॉइंट्स मार्क करते हैं, और फिर पेशेंट को हम कहते हैं कि वो बेंड करे, फॉरवर्ड फ्लेक्शन करे, और फिर हम उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस देखते हैं। अगर तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 5 centimeters तक डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमने मार्क किए थे, तो ये इंडिकेट करेगी स्पाइनल मोबिलिटी नॉर्मल है। और अगर उससे कम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, लेस देन 5 centimeters का डिस्टेंस होता है, तो वो इंडिकेट करेगी हाइपोमोबिलिटी को और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को। सेकंड टेस्ट है हमारे पास फिंगर टू फ्लोर टेस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें भी हम लंबर स्पाइन पे फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं। पेशेंट से कहते हैं कि वो फॉरवर्ड फ्लोर की तरफ बेंड करे, और जो अपनी पामर सर्फिस है वो फ्लोर पे प्लेस करें। नॉर्मली तो प्लेस कर लेते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होंगे वो फॉरवर्ड बेंड होने के बावजूद भी अपनी पाम्स फ्लोर को टच नहीं कर सकेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी स्पेशली राइट फिंगर है, राइट हैंडर, राइट हैंड की मिडिल फिंगर की टिप से लेकर फ्लोर तक का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं।
और फिर हम उससे आइडिया लगाते हैं कि कितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। थर्ड टेस्ट है फिंगर टू थाई टेस्ट, सेम उसी तरह ही है। इसमें हम थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी को चेक करते हैं। इसमें हम मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर टिप्स एंड द थाई वाइल रीचिंग डाउन द लेग्स। एक साइड पे पेशेंट जो है वो एक साइड पे बेंट होगा, तो इसमें हम मोबिलिटी चेक करें थोरेसिक स्पाइन की। और अगर तो डिस्टेंस लिमिटेड होता है फिंगर टिप से लेकर थाइस तक का, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी हाइपोमोबिलिटी को और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को। चेस्ट एक्सपेंशन है, इसमें हम जो है डायमीटर चेस्ट का मेजर करते हैं। किस तरह से मेजर करते हैं? मेजर द एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग द डीप इनहेलेशन। डीप इनहेलेशन जब पेशेंट डीप ब्रीथ करता है तब हमने वो डायमीटर लेना है। नॉर्मल कितना होता है? 2 to 5 सेंटीमीटर इज नॉर्मल। रिड्यूस्ड एक्सपेंशन सजेस्ट रिड्यूस्ड मोबिलिटी ऑफ द थोरेसिक स्पाइन एंड रिब केज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मतलब इसमें हम एक डीप इंस्पायरेशन पे और फिर डीप एक्सपायरेशन पे मेजर्स करेंगे। दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर तो 2 to 5 सेंटीमीटर नॉर्मल है तो फिर चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो नॉर्मल है। अगर इससे कम है डिफरेंस दोनों के दरमियान तो फिर ये चीज़ इंडिकेट करेगी चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्प्रोमाइज है और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है अंडरलाइन। ऑक्सीपिट टू वॉल डिस्टेंस है, जैसे हमने पिक्चर देखे थे इसमें जो वर्टिब्राज होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज होने की वजह से उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है और उनका ओवरऑल जो स्पाइन का पोस्चर है वो भी चेंज हो जाता है। पेशेंट का फॉरवर्ड हेड पोस्चर बन जाता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से पेशेंट का जो ऑक्सीपिट है वो स्टैंडिंग में वॉल को टच नहीं करता। एवेलुएट द सर्वाइकल स्पाइन मोबिलिटी बाय असेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑक्सीपिट और वॉल। 2 सेंटीमीटर इज नॉर्मल डिस्टेंस, रिड्यूस डिस्टेंस इंडिकेट रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी अ कॉमनली सीन इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर काइफोसिस में भी हमें ये टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा होता है। अभी 5 टेस्ट हमने देखे, मॉडिफाइड स्कॉपर में भी हमने लंबर स्पाइन की मोबिलिटी को चेक किया, फिंगर टू फ्लोर टेस्ट में भी लंबर स्पाइन है, फिंगर टू थाई में हमने थोरेसिक को चेक किया, चेस्ट एक्सपेंशन में भी थोरेसिक स्पाइन को चेक किया हमने और ऑक्सीपिट टू वॉल टेस्ट में हमने सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी को चेक किया है। ये इस तरह से होता है, पेशेंट स्टैंडिंग में ही है, उसके बैक पे ही हमने उसके जो इलियक क्रेस्ट से 10 सेंटीमीटर अबव एक पॉइंट मार्क करना है और उससे नीचे 5 सेंटीमीटर हमने एक पॉइंट मार्क करना है, जैसे कि ये हमें नज़र आ रहा है इसमें ये वाली चीज़ जो है ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट होता है। लेकिन अगर इसी को हम सेंटर में लेके आए तो यहाँ पे हमें डिम्पल ऑफ वीनस मिलता है, डिम्पल ऑफ वीनस से 10 सेंटीमीटर ऊपर और डिम्पल ऑफ वीनस से 5 सेंटीमीटर नीचे। अब हम पेशेंट को कहते हैं कि वो फॉरवर्ड बेंड करे, जब वो इस तरह से फॉरवर्ड बेंड करेगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर का हो गया। लेकिन रिफ्लेक्शन पे क्या होगा? नॉर्मली 20 या फिर मोर देन 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस मिलेगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ये नॉर्मल है। अगर तो डिस्टेंस कम है तो वो चीज़ इंडिकेट करेगी लंबर स्पाइन की हाइपोमोबिलिटी को। ये वही मार्किंग होगी, डिम्पल ऑफ वीनस से 10 सेंटीमीटर अबव और 5 सेंटीमीटर बिलो, और फिर हमने फॉरवर्ड फ्लेक्शन करानी है। स्कॉबर टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन फ्लेक्शन इन पेशेंट्स विद इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी पार्टिकुलरली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सेम वही पिक्चर, ये वही 10 सेंटीमीटर और इसमें हम देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मोबिलिटी ठीक है, ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो स्लाइट बेंड हुआ हुआ है। ऊपर अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर तक का आया, अगर हम फिंगर टू फ्लोर देखें तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करेंगी हाइपोमोबिलिटी को। नेक्स्ट टेस्ट है फिंगर टू फ्लोर टेस्ट, वही चीज़ एक्सप्रेशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम मोबिलिटी वेन बेंडिंग ओवर फॉरवर्ड। मेजर डिस्टेंस इज बिटवीन द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड द फ्लोर व्हेन द पेशेंट इज बेंट ओवर फॉरवर्ड विद नीज एंड आर्म फुली एक्सटेंडेड। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं उसके नीज भी फुली एक्सटेंडेड है, आर्म भी फुली एक्सटेंडेड है, फॉरवर्ड बेंड करते हुए फिंगर से फ्लोर तक का डिस्टेंस मेजर करना है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम मोबिलिटी होगी। नेक्स्ट टेस्ट था ऑक्सीपिट टू वॉल टेस्ट, जिसे फ्लैकी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें नॉर्मली कोई भी डिस्टेंस नहीं होता, जो ऑक्सीपिट होती है वो वॉल को टच कर रही होती है, लेकिन तो अगर सर्वाइकल स्पाइन पे मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज है फिर ऑक्सीपिट वॉल को टच नहीं करेगा। ये वही टेस्ट हो गया हमारा, ऑक्सीपिट टू वॉल टेस्ट है। नॉर्मली हम देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन होती है, 0 डिग्री, मतलब कोई भी बेंडिंग नहीं होती, फॉरवर्ड पोस्चर, फॉरवर्ड हेड पोस्चर। लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में फॉरवर्ड हेड पोस्चर होने की वजह से ऑक्सीपिट थोड़ा सा ये जो हेड है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ होता है, जैसे कि ये चिन प्रोट वर्टिकल एंगल ये तकरीबन 30 डिग्री तक हमें मिल रहा होता है। नॉर्मली ये एंगल नहीं होता, 0 डिग्री बनता है। ये नॉर्मल पोस्चर हो गया और ये एडवांस्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इस तरह से प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की। अब हम देख लेते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट। इसमें फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट भी है, इसके अलावा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो की जाती हैं, उसको ड्रग से रिलेटेड एडवाइसेस दी जाती हैं और रेयर केसेस में सर्जरी जो है वो भी की जा सकती है। फिजिकल या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम क्या करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन विद द फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन फंक्शन एंड मिनिमाइज डिफॉर्मिटी, कि फंक्शन भी उसका ठीक रहे और जो डिफॉर्मिटी चेंजेस आ रही हैं, स्पाइनल डिफॉर्मिटी जनरेट हो रही है, वो भी मिनिमम हो। एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम ऑफ डेली एक्सरसाइज हेल्प रिड्यूस द स्टिफनेस, स्ट्रेंथन द मसल अराउंड द जॉइंट्स एंड प्रिवेंट और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी। सेकंड, हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि उसकी जो चेस्ट केज फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहे।
थर्ड, हम उसको स्विमिंग भी रिकमेंड कर रहे होते हैं. स्विमिंग इज एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर द पीपल विद द एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस. मॉडरेट टू हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेज जैसे कि जॉगिंग है वो भी रिकमेंड कर रहे होते हैं. वो रिकमेंड नहीं करते या फिर रिकमेंड करते हैं विद रिस्ट्रिक्शंस, विद क्लोज ऑब्जर्वेशन ड्यू टू जेयरिंग ऑफ द अफेक्टेड वर्टिब्री दैट कैन वर्सन पेन एंड स्टिफनेस इन सम विद एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस. एक्सरसाइज प्रोग्राम भी हम बता सकते हैं जैसे होम प्लान हमारा होता है या फिर सुपरविजन में ग्रुप एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं पेशेंट्स को. पीएनएफ की डिफरेंट टेक्निक्स जैसे होल्ड रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है, वो भी हम पेशेंट को करा सकते हैं. इलेक्ट्रोमीटेंस हम अप्लाई कर सकते हैं इन पे और हॉट कंप्रेशंस दे सकते हैं ताकि वो जो स्टिफनेस है वो कम से कम रहे और स्टिफनेस की वजह से फर्दर जो कॉम्प्रोमाइजेशन है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं वो भी मिनिमम हो. एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हाइड्रोथेरेपी, से रिलेटेड हमें एक स्टडी मिलती है जो कि पी एस हेलीवेल ETL कंपेयर्ड थ्री डिफरेंट फिजियोथेरेपी रेजिम्स इन एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कि इंटेंसिव इन पेशेंट फिजियोथेरेपी, आउट पेशेंट हाइड्रोथेरेपी एंड होम एक्सरसाइजेस एंड होम एक्सरसाइजेस. ये तीन रेजिम्स थी जिसमें इंटेंसिव इन पेशेंट फिजियोथेरेपी या फिर आउट पेशेंट जिनको हाइड्रोथेरेपी हमने बताई थी और होम एक्सरसाइज बताया था, या फिर थर्ड ग्रुप हमारे पास वो था जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने होम प्लान पेशेंट को फॉलो कराया है. दे फाउंड इन द पेशेंट्स एंड हाइड्रोथेरेपी पेशेंट्स रिपोर्टेड मोर इंप्रूवमेंट एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज ओनली. तो इन तीनों ग्रुप्स में जिनको हमने हाइड्रोथेरेपी रिकमेंड की थी उनमें हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. इसके अलावा टेंस हमने देखी थी इलेक्ट्रोथेरेपी में और मैनुअल थेरेपी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द मैनेजमेंट ऑफ द पेरिफेरल या फिर स्पाइनल जॉइंट्स इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस. मैनुअल थेरेपी को हमने अवॉइड करना होता है जितनी भी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, स्पेशली जो एक्टिव फॉर्म है डिजीज़ की उनमें हम मैनुअल थेरेपी नहीं कराते क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज कर सकती है मैनिपुलेशन की वजह से, मोबिलाइजेशन की वजह से. लास्ट ऑप्शन है अगर तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो हम सर्जिकली ट्रीट कर रहे होते हैं. सर्जिकली में टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट आ जाती है, स्पाइनल ऑस्टियोटमी है, या नेक्स्ट फिर हमारा पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल आ जाता है वो भी फिजियोथेरेपी में होता है. सर्जरी के फौरन बाद हम पेशेंट को इमोबिलाइज करते हैं, एंकल टो मूवमेंट्स कराएंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स कराएंगे. ये हो गई पोस्ट ऑपरेटिव जैसे डे 1, 2, 3 हो सकता. इसके बाद जैसे जैसे हमें इंप्रूवमेंट मिलेगी आफ्टर रिमूवल ऑफ इमोबिलाइजेशन, सर्जरी के बाद जैसे उसकी इमोबिलाइजेशन सब्टेंट वगैरह रिमूव करेंगे तो ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन हम पेशेंट से कराएंगे फ्रॉम टर्निंग टू सीटिंग अप एंड स्टैंडिंग. और फिर पोस्टल गाइडेंस इज गिवन और उसकी पोस्टल करेक्शन के लिए हमने उसकी पोस्टल ट्रेनिंग भी करानी है. थैंक यू.